स्वागत है आप सभी का पोषण ट्रैकर हेल्पलाइन में। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे पोषण ट्रैकर की फिर से नई अपडेट आ चुकी है, आप लोगों ने अपडेट कर लिया होगा। यदि आप लोगों ने अपडेट नहीं किया है तो आपको आना है अपने प्ले स्टोर एंड यहाँ पे आप सभी लोग सर्च कीजिएगा पोषण ट्रैकर। जैसे आप लोग पोषण ट्रैकर सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन दिखाई देगा। यदि आपको यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो आपने अपना पोषण ट्रैकर अपडेट कर लिया होगा, तो यहाँ से हम लोग पोषण ट्रैकर अपडेट कर लेंगे। और आज की पोषण ट्रैकर में आपकी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आई हुई हैं। और आज की नई अपडेट में आपको क्या क्या नई अपडेट देखने को मिलेगी, तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे हमारा पोषण ट्रैकर अपडेट हो चुका है, आप सभी लोग इसे ओपन कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पोषण ट्रैकर पे क्लिक करेंगे, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके इस पोषण ट्रैकर की आज की जो नई अपडेट है उन्हें चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एरो का चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो आप लोग इसे क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि आज की हमारी 4 नई अपडेट आई है। तो चलिए आप सभी लोग अपना पोषण ट्रैकर ओपन कर लीजिएगा एंड आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि आपको किस तरह क्या क्या नई अपडेट में जानकारियां दी गई हैं। तो यहाँ पे जो हमारी पहली अपडेट है, फर्स्ट अपडेट आपको फैमिली सर्वे में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको फैमिली सर्वे का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन अभी ये ओपन नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। एंड नीचे आपको मोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे भी आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी फैमिली सर्वे का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप लोग यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए इस ऑप्शन को ओपन करते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे आपको नई अपडेट देखने को क्या मिल रही है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपको 3 फैमिली मेंबर्स की यहाँ पे फाइल दिखाई दे रही है। जैसे आप लोग इस फैमिली मेंबर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सीरियल नंबर देखने को मिल पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपका फैमिली यानी जो पोषण ट्रैकर में आपने सर्वे किया है उसका फैमिली मेंबर कौन से नंबर का है, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो ये फैमिली है, इसका फैमिली का हेड है भावना देवी एंड इनका जो सीरियल नंबर है यानी परिवार का सीरियल नंबर है वो आपको यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको 2 दिखाई दे रहा है। एंड जैसे हम बैक होते हैं, अभी हम फिर से सेकंड नंबर वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं। यहाँ पे फैमिली हेड नीमा है, तो आप लोग देख सकते हैं इसे जैसे आप ओपन करेंगे इनका सीरियल नंबर आपको 3 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको सीरियल नंबर देखने को मिलेंगे। जैसे भी आप लोग ऐड करते जाएंगे अपने फैमिली हेड को, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे सीरियल नंबर ऑफ फैमिली देखने को मिल पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आपको पहली अपडेट है। अब चलते हैं अपनी सेकंड अपडेट की ओर। सेकंड अपडेट है आपकी THR एंड SCM में जो आपका इशू हो रहा था। तो यहाँ पे जैसे आप लोग डेली ट्रैकिंग में आएंगे, आप लोग यहाँ पे अपना SCM भरते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग SCM भरते हैं, या फिर आपको कई लोगों को अटेंडेंस फिल करने में भी ये परेशानी आती होगी, इस तरह से जैसे आप लोग सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद आपको इस तरह का टेकिंग टाइम का ऑप्शन आता है, तो आपको सीधे सक्सेसफुल का ऑप्शन नहीं दिखाई देता है। जो इस प्रकार का इशू हो रहा था वो आपको यहाँ पे ठीक हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे SCM एंड THR भरने के लिए इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं, तो आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी हम SCM फिलअप करेंगे। जैसे आप लोग की SCM दर्ज करते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे बच्चों को SCM भर दिया है, तो SCM पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप लोग जैसे सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मिड डे मील खिलाते हैं या फिर पैकेट से देते हैं, वो आपको सेलेक्ट करना है। एंड उसके बाद नीचे आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो सबमिट करने के बाद आपका ये सीधे थोड़ी देर आपको वेट करना है, तो आपको टेकिंग टाइम का जो ऑप्शन आ रहा था वो हट के आपको यहाँ पे सीधे इस तरह का सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा। तो कई लोग का यहाँ पे टेकिंग टाइम इस तरह से आ रहा था, वो चीज़ें आपकी यहाँ पे इश्यू जो हो रही थी वो ठीक हो जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। और तीसरी अपडेट हमारी है EKYC, तो हमें जाना है अपने मोर वाले ऑप्शन पे। आप मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद आपको जाना है अपनी व्यू प्रोफाइल पे। ऊपर आपको लिखा होगा व्यू प्रोफाइल, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको इस तरह का EKYC का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसमें आपको आगे बढ़ते जाना है। जैसे आप लोग कंप्लीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो
इस तरह से आपको जो जो डिटेल्स यहाँ पे मांगी जा रही है, आधार नंबर फिलअप करना है आपको। सबसे पहले आप लोग आधार नंबर दर्ज करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा लिखा है इसको आपको यहाँ पे नोट करना है। फिर आप लोग नेक्स्ट करेंगे तो आपके आधार से लिंकेड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको वहाँ पे दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद जैसे आप लोग सबमिट करेंगे, फिर आपको एक कोड बनाना है, तो उसे आप लोग अपना पर्सनली कोई भी कोड दर्ज करना चाहते हैं तो वहाँ पे पासवर्ड दर्ज करेंगे, फिर आप लोग सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे EKYC करने में आपको जो इशू आ रहा था, यानी कई लोग का एरर आया था, कई लोग का सबमिट नहीं हो पा रहा था, तो इस प्रकार की जो भी परेशानी हो रही थी EKYC कराने में, तो वो भी आपकी यहाँ पे ठीक हो जाएगी। तो आप लोग इस प्रकार से EKYC कर सकते हैं। और EKYC कराने की जो टॉपिक का वीडियो है हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए अब चलते हैं चौथी अपडेट की ओर। चौथी अपडेट में आपको देखने को मिलेगा पोशन ट्रैकर में जितना भी आपका एरर होता है ऐप ऑप्टिमाइजेशन, वो आपका जो भी परेशानियां होती हैं, छोटी मोटी बग होता है, वो आपका सॉल्व कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की आज की नई अपडेट है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने स्टाफ में, सभी आंगनबाड़ी वर्कर तक। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको पोषण ट्रैकर की इसी प्रकार की आने वाली जानकारियाँ सबसे पहले देखने को मिल पाएगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप सभी को एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।